Hello dear law students, welcoming you in my YouTube channel Law Easy. And as we know that civil judge examination is going to come, and there is very important subject that is called Negotiable Instrument Act. तो आज हम सभी negotiable instrument को समझेंगे. आज negotiable instrument का ये पहला part है, इसको quick revision का पहला part बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इसमें मैंने सेक्शन 65 तक क्विक रिवीजन कराया है, और अगले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगले लेक्चर में 65 के आगे का क्विक रिवीजन होगा. तो आइए समझते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द क्विक रिवीजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहां परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के महत्वपूर्ण धाराएं. तो सबसे पहले तो ये 1881 का एक्ट है, और आप सभी को पता है ये बिजनेस लॉ है, लेकिन इसमें सेक्शन 138 जो है इसने इसको पीनल एक्ट भी बना दिया है. और ये बहुत ही प्राचीन कानून है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय का बनाया हुआ कानून है, और सिर्फ दो बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है. 2002 का अमेंडमेंट, जिसमें धारा 142 से लेकर 147 जुड़ी थी, और 2018 का रीसेंट अमेंडमेंट जिसमें धारा 148 जुड़ी. तो कुल मिला के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में टोटल धाराएं हुई 148. तो वर्तमान में इस कानून में 148 धाराएं हैं, और कुल मिला के देर आर 17 चैप्टर्स, और 17 अध्यायों में बटा हुआ है. एक शेड्यूल थी जो कि निरसित हो गई, तो इसमें कोई शेड्यूल नहीं है फिलहाल. 1 मार्च 1882 से ये पूरे भारत में लागू हो चुका है. अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, आप सभी को पता है, जो बैंक एक जो इंस्टीट्यूशन होता है, उस बैंक को एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से बैंक अपना संव्यवहार करती है. और उसके अलावा जो वचन पत्र होते हैं, वचन पत्र, विनिमय पत्र, जो नॉर्मली ट्रेड में व्यापारिक क्षेत्रों में जो यूज होते थे, जैसे हुंडी जो होती है, एक प्रकार से विनिमय पत्र का ही एक रूप है, जो हमारे प्राचीन भारतीय व्यापारिक व्यवस्था में चलती थी, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है. इतना सारा कैश साथ में ले जाना जोखिम से भरा होता है, तो इस वजह से जन्म हुआ चेक का, चेक और इन्हें बैंकिंग संव्यवहारों का जन्म, और आज वर्तमान में बैंकिंग संव्यवहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है. तो कुल मिला के 148 धाराएं, 17 अध्यायों से मिलकर ये कानून बना हुआ है, और 1 मार्च 1882 से पूरे देश में लागू हुए. इसमें ये दो इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इंडियन पेपर करेंसी एक्ट की धारा 21 पर ये कानून लागू नहीं है. तो आपको ध्यान रखना है कि ये कानून किस पर इफेक्ट नहीं डालता है, तो इंडियन करेंसी एक्ट की सेक्शन 21 पर, और ऐसे लिखित, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ओरिएंटल लैंग्वेज में, ओरिएंटल लैंग्वेज का मतलब है प्राचीन यानी प्राच्य भाषाओं में लिखे हैं, और लोकल यूजेस में यानी हुंडी वगैरह पे यह एक्ट लागू नहीं है. दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. इसके अलावा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, आपका धारा 4 आपको याद होनी चाहिए, प्रॉमिसरी नोट यानी वचन पत्र की धारा 4 है, जिसमें दो पक्षकार होंगे, प्रॉमिसर प्रॉमिसी. धारा 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्र की परिभाषा दी हुई है, और धारा 6 में चेक की परिभाषा दी हुई, क्योंकि ये तीनों तो इस पूरे एक्ट के हीरो हैं, तो आपको ये तीनों सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए. हालांकि इसमें जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो धारा 3 में दे रखा है, और एक ही डेफिनेशन दे रखी है धारा 3 में, जिसमें बैंकर की परिभाषा दे रखी है. बैंकर कौन होगा? जो डाक विभाग के अंदर जो बैंकिंग संव्यवहार का काम करता है, वो भी बैंकर कहलाएगा, उसको ध्यान रखेंगे आप. तो इसका जो प्रिलिमिनरी है वो 1 से लेकर 3 तक प्रारंभिक है. उस प्रारंभिक में धारा 2 निरसित है, धारा 1 में नाम विस्तार प्रवर्तन है, और धारा 3 में निर्वचन खंड है. निर्वचन खंड में सिर्फ बैंकर की परिभाषा दे रखी है. इसके बाद धारा 7 इंटरप्रिटेशन क्लॉज से बड़ी तो धारा 7 है, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ड्रॉवर इन नीड, यानी बहुत सारी डेफिनेशन तो धारा 7 में दे रखी है. 5 डेफिनेशन ड्रॉवर और ड्रॉई की डेफिनेशन वगैरह. धारा 8 में होल्डर की परिभाषा दे रखी है. होल्डर यानी धारक, जो परक्राम में लिखित इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम से अपने अपने लिए अपने हाथ में धारण करता है, उसको धारक बोलते हैं. और धारा 9 में सम्यक अनुक्रम धारक बताया गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स परक्राम में लिखित का इस वजह से धारक है, प्रतिफल, किसी प्रतिफल बतौर उसने उसको प्राप्त किया है. सपोज मान लीजिए मैंने आपको एक फर्नीचर बेचा, उस फर्नीचर बेचने के एवज में आपने पेमेंट के रूप में मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूंगा, क्योंकि मेरे पास एक एविडेंस और है कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास क्यों आया, यानी आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको उसके बदले में कोई सेवा अथवा सामान दिया था. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर से ज्यादा प्रभावशाली होता है. इसके अलावा धारा 13 इंपॉर्टेंट, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है. धारा 14 में नेगोशिएशन बताया गया, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है. नेगोशिएशन यानी परक्रामण, परक्रमण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, नेगोशिएशन बताया गया धारा 14 में. और धारा 15 में इंडोर्समेंट यानी प्रष्टांकन बताया गया. प्रष्टांकन मतलब एनीथिंग व्हाटएवर वी आर राइटिंग ओवर दी
हम यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी उसमें डेट डाल रहे हैं, अकाउंट पे ही कर रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, तो ये इंडोर्समेंट होता है, यानी किसी भी चीज में साथ ही साथ उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने चेक के साथ किसी कागज पर भी अगर अटैच करके हम साइन करते हैं तो वो भी इंडोर्समेंट कहलाता है, पृष्ठांकन कहलाता है। और पृष्ठांकन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पृष्ठांकन से भी नेगोशिएशन होता है, हम वो आगे समझते हैं। धारा 26 के ऊपर क्वेश्चन बनता है, धारा 26 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि कौन किसके पास कैपेसिटी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने की, तो चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सीधे सीधे इसने बोल दिया है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए धारा 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि व्यक्ति मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो इस प्रकार चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 1 में तो हम लोगों ने प्रारंभिक पढ़ा, चैप्टर 2 जो है वो प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में बात करेगा, धारा 4 से लेकर धारा 25 तक। चैप्टर नंबर 3 जो है वो पार्टीज की बात करता है, हु विल बी पार्टीज, जो हम लोगों ने ऊपर 26 में देखा, 26 से 45 तक पार्टीज ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात कर रहा है। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो नेगोशिएशन की बात करने वाला है, नेगोशिएशन यानी परक्रामण। अभी नेगोशिएशन क्या होता है, परक्रामण जो है एक प्रक्रिया होती है, परक्रामण इज अ काइंड ऑफ वन प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रचना की जाना, उसको एक्सेप्ट करना, प्रतिग्रहण की जाना और उसको पृष्ठांकन किया जाना शामिल है। तो नेगोशिएशन का मतलब क्या हो गया, नेगोशिएशन का मतलब इफ वी आर मेकिंग यानी बनाना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको पृष्ठांकित कर रहे हैं, तो ये सब चीजों का मतलब होता है परक्रामण। और ये परक्रामण दो तरीके से होता है, एक परिधान से होता है, परिधान मतलब बाय डिलीवरी, बनाकर आपने दे दी सेक्शन 47 में डिलीवरी से परक्रामण, और पृष्ठांकन द्वारा इंडोर्समेंट द्वारा परक्रामण सेक्शन 48, तो 47 48 भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर 5 की ओर चलते हैं, चैप्टर 5 में प्रेजेंटमेंट बताया गया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपस्थापन। उपस्थापन के बिना कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन कैश नहीं होगा, यानी अगर आपके पास प्रॉमिसरी नोट है, किसी ने आपसे पैसे लिए थे, उसने आपको प्रॉमिसरी नोट दिया था, 3 महीने बाद अगर वो पेमेंट लौटाना चाहता है तो आप उसको, आप वो लिखा हुआ प्रॉमिसरी नोट दिखाएंगे मीन्स देंगे दर्शन या दिखाएंगे, यानी उसको प्रेजेंट करना। तो उपस्थापन के बारे में चैप्टर 5 बताता है, सेक्शन 61 से 77 तक परक्रामण बताया गया है। तो परक्रामण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रेजेंट मतलब उसे प्रस्तुतिकरण की एक प्रक्रिया जो होती है उसको उपस्थापन कहा जाता है। 61 में बताया गया प्रेजेंटमेंट फॉर द एक्सेप्टेंस, एक तो सामने वाले को प्रतिग्रहण करने के लिए प्रेजेंटमेंट करना, वो 61 में बताया गया। और 64 में प्रेजेंटमेंट फॉर द पेमेंट, और भुगतान करने के लिए प्रेजेंट करना। तो इस प्रकार से 2 महत्वपूर्ण उपस्थापन बताए गए। और 65 भी आपको याद होनी चाहिए, 65 में अवर्स फॉर द प्रेजेंटमेंट, आप चेक को कब प्रेजेंट करेंगे, बैंकर के सामने यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो कब प्रेजेंट करेंगे, तो इसने कहा है कि जो प्राइक अवर्स हैं, प्राइक अवर का मतलब होता है जो यूजुअल अवर्स हैं, यानी जो काम करने के जो यूजुअल अवर्स हैं, उन्हीं दौरान आप उन चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो टुडे वी हैव डन द क्विक रिवीजन, हाफ क्विक रिवीजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इट इज पार्ट 1, और पार्ट 2 हम शीघ्र ही इसको मैं अपलोड करूंगा। टिल देन काइंडली वॉच दिस वीडियो अगेन, आई होप इट विल वेरी यूजफुल फॉर यूर कमिंग एग्जामिनेशन। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।